ए चुप, शराब खाता ना हमसे टुल्ले क्या रही। हाँ जब टुल्ले ना हो तो टुल्ले ही तो के हैं, आशीष उपाध्याय थोड़ी के हैं। हाँ सो तुम्हारे बाप हमारे सामने नंगे फिरते मारे दद्दा रे, ए दादा ए मोरे जलंदा तारे, कहाँ चले गए मोए छोड़ के। तुम फिर ना रियल लगे पापा। अरे ग्राम्या पानी भरने। हाँ भाभी। ठठरी को बांधो धार बहन, ओ की कस दाए। हमारे पापा भी गजब करे हैं, खुद दूसरों के जीवन में डोबा पाज में लगे रहे और हमें भी लगा रहे, का जरूरत हती ये पेपर ले आवे की। तुम तो ऐसी बहरा रहे जैसे कोने गुटकी पे बैठ गया होए। अब्बा को कछू काहे बुला रहे थे। ए बेटा तेज आवाज में न बोलू करे, तेज आवाज में न बोलू करे, हमार जीधारी कपन लगा तुम्हारी तेज आवाज सुन के। हमारी आवाज में तुम्हारी अकेलो जी कपराओ और तुम्हारी आवाज में पूरा घर कप जात है। धीमी आवाज में सुई बुला सकत हो। सीताराम 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 सीताराम। अब जी कान काहे को पकड़ लाए। अरे बेटा वह तुम्हारी तेज आवाज हमारी छाती में लग रही। सॉरी डियर ससुर जी, हमें माफ कर दो, हमसे पाप हो गाओ। अब हम धीरी आवाज में पूछ रहे, काय को आवाहन कर रहे थे हम, आओ कौन सी सेवा नहीं कर पाए हम सभी से आपकी, बता दो। क्या कह रही बेटा, तनक जोर से तो बोल। अच्छी आफत है यार, धीरे से बोलो सो सुना नहीं पड़ा, तेज बोलो सो जी का पत। भगवान ऐसो ससुर को नम खोने देवे। ए दद्दा बाप, हमारे खसम के बाप, कौन सो काम है तो काय बुला रहे थे हमें। बिहारी को फोन लगा दो। काय अब काम है नुज्जा का चूज, अब तो बुला रहा है। हाँ तो जो सब काम बिट्टू से करवा लू। बिट्टू काय बिट्टू, दद्दा की सुन लू तनक। हाँ भाभी, क्या होगा पापा। अरे तनक वो बिहारी को फोन लगा दे। काय काय किंतु परंतु, कम करो यार, बाप आए तुम्हारे शर्म करो। ये मैं काय की शर्म, हमारे बाप से अगर इतना ही कह देते हम तो वो सर कलम कर दे तो बेटा हम। तुम जैसी पल पल पके लटका है, अब कछु जरूरी काम है नुज्जे, जब तो फोन लगवा रहे। हाँ लगाए दे रहे हैं, लो। पापा जी काय को फोन लगा रहे। हेलो बिहारी। हाँ पापा। ए बेटा जल्दी आजा, हमारे दर्शन कर ले। दर्शन काय कर ले यार दद्दा, दर्शन तो हार्वेस्टर चल रहा हो यार, पीसी कटवे बारी है। अरे हमने सोची आखिरी बार कर लेते बेटा, अब तो परमात्मा से मिलन हो ही जाए। काय परमात्मा से काय। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है आईपीएल आने वाला है और आईपीएल से कितना ज्यादा इमोशन जुड़ा है अपना, तो इस पार्ट को स्किप मत करना। तो जिंदगी को जीने को तैयार हो, वो भी सबसे तगड़े गेम खेलकर जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो तैयार हो जाओ क्योंकि अपनी जर्नी स्टार्ट होती है एविएटर गेम के साथ। ये टॉप गेमों में से है जो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और मोस्ट वेट नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, विच इज ट्रस्टेड वर्ल्ड वाइड और ये इंटरनेशनली लाइसेंस्ड भी है। एविएटर गेम भाई मजे से भरपूर है और इस गेम से ज्यादा मजा कोई और नहीं दे सकता। टू गेट रेडी टू कैश आउट, उससे पहले कि ये प्लान नीचे चले जाए। यस, देखा कितना आसान है जीतना भाई, अलग ही लेवल का मजा आता है इस गेम को खेलने में। मैं एक राउंड फिर से खेलूंगा और भाई ये तुम्हें एक साथ बहुत सारे गेम ऑफर करते हैं, क्योंकि यार एविएटर मेरा फेवरेट है, लेकिन उसके अलावा अंदर बाहर टॉयलेट जैसे गेम भी अवेलेबल है। तो थोड़ा सा अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकालो और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो इन गेम को खेलकर। और मैं आपको अपना प्रोमो कोड भी देता हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रोमो कोड को यूज करने से आपको 34,000 rupees और 250 फ्री स्पिन मिलेगा जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तुम इंस्टेंट डिपॉजिट कर सकते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि में, इवन बिटकॉइन भी। इधर बात आए बेस्ट आई गेमिंग प्लेटफॉर्म की, तो मोस्ट वेट से बढ़िया कुछ नहीं। ये यूजर फ्रेंडली के अलावा 100% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक क्लिक में आप साइन अप कर सकते हो और यहाँ के बेस्ट गेम को एक्सेस कर सकते हो। 24 कस्टमर सर्विस और लाइटिंग स्पीड के साथ आप विड्रॉ कर सकते हो और भाई आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कभी नहीं, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। तो जाओ, पिन कमेंट में लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो।
मेरे सीक्रेट प्रोमो कोड का यूज करो और फर्स्ट डिपॉजिट पर बोनस पाओ, वो भी 250 फ्री स्पिन के साथ, और ये सब होगा जस्ट आपके रजिस्ट्रेशन के बाद। तो जल्दी जाओ और ज्वाइन करो। परमात्मा से काय काय सर, बेटा हमारी छाती पर आ रही बहुत तेज। अरे रे रे रे, ए बाबूरे, अरे जी, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो तन्नक देर बाद मरने वाले हैं। दद्दा, सही में पर आ रही छाती? अरे और छाती पर आए तो रिबाऊ की तो जे सब चरत्तर करवे की का जरूरत हती? बेचारो भैया घबरा गा हो जे, ढंग से भी तो बुला सकते। ढंग से आए थे वो, जो जे सामान है उनसो करो। अब आ रहा उनने चदा दौड़ लगा। ए मोरे दद्दा रे, ए दादा, ए मोरे जलंदा तारे, कहाँ चले गए मोए छोड़ के? अबे तू जमीन भी हमारे नाम पे नहीं करी रे दद्दा, तुम तो चले गए। अबे मैं बहने आज अपने अपने कसम खोलवा के, पर का कर ले हम दद्दा। कितनी कट गई पिसी? 6 एकड़ की कट पाई है, 4 की खड़ी है। और चना? चना तो विप। दद्दा तुम जिंदा हो? जी अभी हम जिंदा है। बेटा अगर रावण के बाद कोई दूसरा आदमी हमारे है तो वो है तुरो बाप। मतलब जो सब मजाक है तो पता भी है यार, कैसे भागे हैं गिरा तो ठत, जब माटी छप गई गेवड़े की मुंह में। कहा तो जो सब तकनीक तुमको हार से बुलावे की का जरूरत है थी? पता भी है कि तो अर्जेंट काम लगाए हैं हम तो खेत में। हाँ तो बेटा वही काम की पूछने थी। का पूछने थी? हार्वेस्टर का रेट को चलवा रहे 1500 रुपये टैंक। बाह मेरे सिर, बाह मिटा दो जायदाद। फूल सिंह को मोरा 800 रुपये की रेट में 14 एकड़ कटवाओ। तुमने 1500 पेड़ दाए, लखूरे भर रहे अपने ते, लखूरे भर रहे ना, मिटा दो। मिटाओ मिटाओ, अच्छे से मिटाओ, राख लगा दे। लेकिन एक बात याद रखियो बेटा, जब हमने रहे मौका है बेटा, अबे बकत है, समझ जाओ। देखो पापा यार पगल आओ ने, एक तो हमें बीच काम में से 74 बता के बुला लाओ और अबे तो नौटंकी बता रहे। नौटंकी मोटंकी नहीं बता रहे बेटा, चेतावनी दे रहे, चेतावनी। अबे मौका है, समझ जाओ, बताओ। आज सुबह रो हर व्यस्त 1500 में चलवा लो। दद्दा फूल सिंह ने जो 800 में चलवाओ है वो हार्वेस्टर को ड्राइवर है को होशियार, सुबह लेते है पूरे पैसा। और जो अपने खेत में हार्वेस्टर चलवाओ है वो को ड्राइवर है को दरुगा, सो को अपन जितने देबू सो वो आराम से धरे और चलो जे। सही में हाओ। अरे तो बेटा जाओ, खुश रहो, तथास्तु। अब हमें यकीन भाओ कि तुम हमारे खून आओ। आई ट्रस्ट यू। ऐसे ही तरक्की करो। अरे वो कच्ची की पर वो कच्ची की, हाँ कच्ची की प्याज। कक्का काय टल्ले कक्का? ए चुप, शर्म खाता ना हमसे टल्ले क्या भाई?
हाँ जब टुल्ले ना हो तो टुल्ले ही तो के हैं, आशीष उपाध्याय थोड़ी के हैं। हाँ सो तुम्हारे बाप हमारे सामने नंगे फिरते और तुम हमारा नाव ले रहे तनक तो मर्यादा सीख लो मोड़ो ए पराए घर जी हो सुखा करो ए दीक्षा ए बेटा दीक्षा ए जब बिन्नू आई है ए बहू रानी तुम फिर न रियल लगे पापा। अरे ग्राम्या पानी भरने। हाँ भाभी। हाँ तू कर लो मोटर चालू कर लो और भर ले और बंद भी कर जाइयो है। बड़ो राजपाट फेलो है भोसड़े आल को नो सोधान दुए है अपने हाथों में मोटर चालू कर ले। मिटा तो जा जाता पंखों का चार दिना के मिजवान है अपन तो। मेरा पिया घर। अरे यार गर्मी लग रही है यार बाद में बने अभी। तुम सही यार बिट्टू ये ग्राम में तो सड़ो समो बनाए काय फिरत। अरे वो ललितपुर को धरवेंद नहीं है। अच्छा वो धरवेंद। हाँ सही कह रहा है हमने भी वो को पसीना सूंगो तो दो दिन सड़ो समो बनो रहो तो बिल्कुल एक के मोंग हाँ। अरे हम वो बसेला धर्मेंद्र की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र तिवारी ये को प्रेमी बॉयफ्रेंड है। ये को बॉयफ्रेंड भी है तो हाओ वही के बेहोग में तो जाए ऐसी हो गई हमेशा उदास रेत है न तो कोई से ज्यादा बात करे। सो धर्मेंद्र ने ये को छोड़ का दो। धर्मेंद्र ने ये को नहीं छोड़ो ये ने धर्मेंद्र को छोड़ दो। सो ये ने धर्मेंद्र को काय छोड़ दो। कायसन धर्मेंद्र ही में लगो रे तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देतो सो ये ने उखो छोड़ दो ताकि धर्मेंद्र अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगे और उकी जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए। फिर धर्मेंद्र की नौकरी लगी। हाँ नौकरी तो लग गई लेकिन जब दोबारा ग्राम्या धर्मेंद्र के पास गई सो धर्मेंद्र ने ग्राम्या से हाथ जोड़ के कही कि हे कन्या अब हम सरकारी नौकर हैं, अब हमें तुमसे अच्छो माल प्लस दहेज में फॉर्चूनर गाड़ी मिल रही सो अब तुम हमारे पीछे छोड़ दो और अगर उसके बाद भी तुम हमारे पीछे आई सो हम धतूरे की जड़ खा के खुदकुशी कर ले। धर्मेंद्र खुदकुशी न कर ले एडर से ग्राम्या ने खुशी खुशी धर्मेंद्र को छोड़ दो लेकिन खुद दुखी रहने लगी। हे राम हे विधाता ऐसो दुख कोनु को न दिजो। ठठरी को बंदो धर्मेंद्र ओ की कसदा है घर के बंदे को कीड़ा पर है साथ साथ के मारे कैसी सूख गई बेचारी टटेरो हो गई। हमारे पापा भी गजब करे हैं खुद दूसरों के जीवन भर डोबा पाज में लगे रहे और हमें भी लगा रहे का जरूरत हती ये पेपर ले आवे की मन फेंके आती मनो नहीं आ गई लेके अब वो टुल्ली तख्ताई पे बैठो मेले हमारे प्राण खा ले वो तो पूरे गांव भर के डोकरा मार गए मगर जो टुल्ली कक्का नहीं मर रहा। कक्का ये टुल्ली कक्का को हम मार गाओ काय को झपला बजा रहा है। कक्का पेपर ले आए थे। हाँ तो लाए हाँ बेटा विदेश में खड़े होके काय चिल्ले आ रहा है। लगा जे हैं सुखे ताई रखें दे रे कक्का। अरे तेरी पूछ का तैया तो कछु ज्यादा जल्दी है का ए ओ तई तुम वधारे दे रहे हो तई हमारी कुतिया हगा थेगी ए कल लखो नहीं में हमें कल एवा बांध के पहुंचाने हां रखे थे ए। अब जब लंका से लेके आ गए हो बेटा तो तना के तेनो भी बोला दे पड़े आओ। जयराम जी की नमस्कार कैसे हो आप सब कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बता दियो और जब नई वीडियो आए एक और नव एपिसोड यानी अगलो एपिसोड तो वह तक हूँ स्क्रीन पे चल है यदि अब चल रहा हो तो जाओ क्लिक करो और देख के आओ ठीक है। बाकी कमेंट जरूर छोड़ के जाने वीडियो में मजा हो तो लाइक करें जाइयो शेयर कर दियो और सब्सक्राइब जरूर कर लेने अगर चैनल पर नए हो तो ठीक है।
मिलना जल्दी अगले एपिसोड में।